चने की कीमतों में अभी एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है, जो कि सरकार द्वारा दालों पर स्टॉक लिमिट और आयात के फैसले से देखने को मिला है। मानसून में अभी अचानक बदलाव देखने को मिला है और मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है, जिससे दालों की अगली बुवाई अच्छी होने का अनुमान जानकार अभी से लगाने लग गए हैं। आपको बता दें कि चने का उत्पादन 2020-21 में 119.9 लाख टन रहने का अनुमान जानकारों द्वारा अभी जताया जा रहा है। इन सब वजहों के चलते चने की कीमतें त्योहारी मांग का सपोर्ट होने के बावजूद वायदा बाजारों में सीमित दायरे में कारोबार करती नजर आ रही हैं। सरकार ने हाल ही में चने की MSP में बढ़ोतरी की है। चने की MSP पहले 5100 रुपये क्विंटल थी। सरकार ने साल 2022-23 के सीजन के लिए चने की MSP में 130 रुपये क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी की है और अब चने की MSP 5230 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं त्योहारी मांग के चलते किसानों और व्यापारियों को अभी भी उम्मीद है कि चने की कीमतों में अभी तेजी देखने को मिल सकती है। चने की कीमतों को अभी त्योहारी मांग का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे त्योहार पास आते आते चने की कीमतों में कुछ खरीदारी निकल सकती है। वहीं बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक वायदा बाजारों में चने की कीमतें काफ़ी समय से एक सीमित दायरे में कारोबार कर रही हैं। चने की कीमतों को औसतन हम सब ने 5200 के आसपास कारोबार करते हुए देखा है। चने की कीमतों में सीमित दायरे में कारोबार अभी कुछ दिन और जारी रह सकता है। अमित सजेजा के मुताबिक वायदा में चने की कीमतें लगभग 2 हफ्तों तक 5200 के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आएंगी। वहीं दिवाली नज़दीक आते आते कुछ तेजी बनेगी, जो कीमतों को ऊपर में 5450 तक लेकर जाएगी। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।